है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप। आपकी पोस्टिंग क्या है, यहाँ है? क्या है दीदी? सर दीदी की साहब बताइए, दिस इज द रेंडम प्रेस्ट का यूनिट है ना ये, तो यहाँ पे हमारे वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या काम है, क्या आप आए हैं यहाँ पर? यू आर नॉट हियर इन द इवनिंग। क्या चेक करते हैं आप? क्या चेक करते हैं आप? आपने तो ये खुले स्टैंप लगा के कागज रखे हैं, ये क्यों रखे हुए ऐसे? दस्तक भी कर लीजिए, नंबर टेप भी लगा के रखिए। आप तो 24 घंटे यहाँ होंगे नहीं। कितनी पॉलिटिक की गाड़ियां निकलती हैं यहाँ से बताइए डॉक्टर साहब, कितनी निकलती हैं? Have you ever checked this thing? What is going on in this unit? नहीं तो मुझे बताइए ना क्या चेक किया? What you are observing in at this check post? बताइए मुझे। What is Sumedha? इनका तमाशा मैं देख देख के तंग हो गई हूँ। मुझे बहुत दिन से कंप्लेन आ रही थी। I was expecting the things will be set right in the due course of time. This is representing the entry point of a UT and आप लोगों को पैसे की इतनी भूख है? नहीं मैम, मैम यहाँ मैंने बहुत चीजें बंद की हैं, आप कंफर्म कर लीजिए मैम। जो कैटल वाला था वो एक पूरा, उसके बाद एक मैम प्रोसीजर से लड़ पड़ा है मेरे खिलाफ। वो क्या खिलाफ? आप यू स्टैंड, टेक द स्टैंड आई बिहाइंड यू टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइडेड यू मेंट योर वेज। ये तमाशे मुझे वीडियोस आएंगे। कहां अबाउट सेंट्री बर्ड हैज बीन फिजिकली एग्जामिन्ड बाय द अंडरसाइंड हु इज गिविंग इट एंड एवरी फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। The source of the poultry is not from any infected area, suspected area, not within 10 km radius of the notified flu infected zone. Care Deputy Director, Animal Husbandry and Dairy. ये है कोई genuine है कि ये भी कोई fraud है? देखिए सर, नीचे number date भी कुछ आने के लिए। सैंपल कहाँ लेते हो? कोई सैंपल मतलब एक पोल्ट्री बर्ड अपने पास रखते हो, फिर उसको पहले सैंपल लेते हो, फिर उसको खा जाते हो? हैं? कहाँ है सैंपल? दिखाओ, अगर तुमने सैंपल लिया तो बर्ड्स कहाँ रखे हैं बताओ? वेयर आर द बर्ड्स? लिया ना आपको एक बर्ड, कहाँ रखा है बताओ मुझे, बताओ वेयर इज द बर्ड? ये कौन इसको सर्टिफाई कर रहा है मुझे बताइए। हाँ ना इस पे नंबर है, ना इस पे ये डेट जरूर है आज की, ना इस पे नीचे किस एरिया की है वो मोहर, वो वाला एरिया ये कोई और बना के तो डिसाउंट कर दिया। आप सर इसको इसकी वेरिफिकेशन करवाइए, करवाइए इसकी वेरिफिकेशन। ये रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं है, स्टॉक रजिस्टर में। हाउ इज इट पॉसिबल? आप लोगों को मेरे को आई नो अभी अभी चलो ऑफिस, विल इशू द ऑर्डर एंड और मैं इंश्योर करूंगी दे विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। और आप अपनी खैर वाला एक्चुअली मेरी नॉलेज में कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि यहाँ पर ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आज इस वक्त मैंने ये दौरा किया अपना, और मुझे कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज यहाँ मिली हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगी। और मैंने अपने कंसर्न ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया है कि वो इनको ठीक करें और यहाँ के माहौल जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करके ताकि सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। सीसीटीवी लगाने के लिए हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पर इंश्योर करूँगी।
चाहूँगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं यहाँ पर उनको फुलफिल किया जाए एट द अर्लीस्ट, सो दैट द सिस्टम हमारा जो है वो एक तरीके का सिस्टम बन जाए और यहाँ जो मैंने हॉच पॉच और स्कैटर्ड वे में चीज़ों को देखा उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जिस तरह से पंजाब से गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरी नॉलेज में अभी हम ये तो अभी मैं इनको फेक या फॉर्ज नहीं बोलूँगी अनलेस अंटिल हम इसकी वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन ये है कि डेफिनेटली हम इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे ताकि हमें अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ही वहाँ से बाहर से यहाँ आए और हम उन अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पे ही आगे कार्रवाई कर पाए। ये वजह है वर्षिप बोर्ड की, वो बिना जांच के जम्मू कश्मीर में एंटर कर रही हैं, तो इस पोस्ट का ऐसे क्या उचित है कि जब एजेंट्स जो हैं यहाँ पर इस पोस्ट को चला रहे हैं? जी, अगर ऐसा मेरी नॉलेज में आया था कि यहाँ कुछ एजेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और हमारे महकमे की तरफ से कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं कि प्रॉपर सिस्टम नहीं, जो हमारे महकमे के लोगों का काम है वो वैसा काम नहीं हो रहा है, उसी के लिए मैंने आज ये दौरा किया है और इस पर जो भी हमारे ऑफिस के लोग या हमारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें हमारी जो भी गाड़ी बाहर से अगर इधर आती है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग हो और हमारी चेकिंग के बाद ही हमारी गाड़ी जो है वो हमारे टेरिटरी में एंटर करे।